नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए इसका लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट क्लास हैं बिना किसी एड ब्रेक के वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस मैथ्स की क्लास में। आज की इस मैथ्स क्लास में हम टॉपिक हमने लिया आप लोग के लिए बोर्ड एंड स्ट्रीम, जिसकी बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी। और ये जो टॉपिक है आप लोग का मंडी परिषद, लोअर PCS, RRB, NTPC, SSC, CHSL, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी में टॉपिक पूछा ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके बारे में बताया जाए। तो बिल्कुल एक एक जो है इसके टाइप वाइज मैं आपको बताऊंगा, टाइप बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे, और उसकी प्रैक्टिस भी दोस्तों हम आप लोग को कराएंगे। और ये जो है आप लोग का चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एवं धारा। तो नाव एवं धारा ये आप लोग का 4 से 5 वीडियो में चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इस चैप्टर को किसी और जगह से पढ़ने की, यहां तक कि अपने बुक को बुक से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते ही आप लोग लगा लेंगे। ऐसी मैं तरीका, ऐसी ट्रिक, तरीका सब कुछ बताने वाला हूं आपको। तो बिल्कुल वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं नाव एवं धारा में। सबसे पहले ट्रिक आप लोग याद रखिए, यदि किसी नाव की चाल शांत जल में, यदि दोस्तों किसी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा y किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया दोस्तों एक ये नाव, आप तो आप लोग समझिए, आप लोग की नाव आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लिया आप लोग की एक नाव है जिसकी शांत जल, शांत जल का मतलब दोस्तों एक पानी है आप लोग का इस तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे कि मान लिया दोस्तों ये आप लोग की एक नाव दी हुई है, ठीक है। ये मान लिया कि आप लोग की नाव शांत जल का मतलब दोस्तों पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है। अगर ये नाव नाव जो नाव है वो अगर नॉर्मल स्पीड से चलती है तो इस नाव की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और मान लिया दोस्तों इस धारा जो चल रही है, ये धारा आप लोग की जा रही है, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्यों? देखिए कुछ नाव की चाल होगी, मान लिया दोस्तों एक ये आप लोग की पानी है, इसके ऊपर नाव चल रही है, ठीक है। अब ये देखिए धारा भी इस दिशा में बह रही है और नाव भी जो है आप लोग की इसी दिशा में चल रही है। तो धारा की दिशा के साथ अगर नाव भी बहेगी और नाव की भी कुछ चाल होगी तो उसमें जुड़ जाएगी ना, चाल भी तो उसमें मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इसका क्या हो जाता है? एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाती है? एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जहाँ पर आप लोग का एक्स क्या है, यह शांत जल में नाव की चाल, और वाई क्या है, यह है दोस्तों धारा की चाल। और अगर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब दोस्तों ये अब की बार आप लोग के सामने कुछ इस तरीके कंडीशन, जैसे कि नाव आप लोग की ये मान लिया नाव है और ये पानी जा रहा है, पानी की दिशा मान लिया दोस्तों ये पानी जो आप लोग का इस डायरेक्शन में बह रहा है और नाव आप लोग की इस साइड में जानी है। तो दोस्तों उल्टा बहना नाव को, पानी से अपोजिट साइड जाना है। तो अपोजिट साइड अगर नाव जाएगी तो उसकी चाल हो जाती है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर धारा की दिशा में होगा तो दोनों की चालें जोड़ दी जाएंगी, और अगर धारा के विपरीत होगा तो दोनों में दोनों की चालों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहला एग्जाम्पल ये रहा आप लोग के सामने, क्या क्वेश्चन दे रखा है देखिए। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप लोग को दोस्तों शांत जल में नाव की चाल कितनी देती? 10 किलोमीटर प्रति घंटा देती, तथा धारा का वेग दे दिया आप लोग को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप लोग को धारा की चाल भी दे दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या बताना, धारा की दिशा में, और क्वेश्चन में एक एक बात आप लोग ध्यान रखिए, धारा की दिशा बोले चाहे धारा के अनुप्रवाह बोले, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। धारा की दिशा या फिर धारा के अनुप्रवाह, बात एक ही है। और बताना आप लोग को धारा के विपरीत दिशा या फिर धारा के उधर प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी? तो नाव की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल दोस्तों क्या होगी, हमारा ये पहला रहा 10 और ये 3, ये नाव की चाल है शांत जल में और ये धारा की चाल, दोनों लोग जुड़ जाएंगे 10 और 3 13 हो जाएगा। और विपरीत दिशा में हमसे पूछा जा रहा है तो 10 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। वही चीज़ दोस्तों मैंने आपको बताई थी, अगर आप लोगों से धारा की दिशा में पूछा जाएगा तो आप लोग का एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और विपरीत पूछा जाएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वही यहाँ पर किया है। तो कुल मिलाकर इनका आंसर 13 आ गया और इसका 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इतनी बात तो उम्मीद करता हूँ सभी के बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए मैंने लिया, इसका क्वेश्चन पहले आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या, शांत जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो
तो सिंपल सा दोस्तों, पहले क्या करेंगे, धारा की दिशा में हम लोग दोनों की चाल, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल, इनको जोड़ देंगे, तो 20 और 5 हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और धारा के विपरीत पूछा जा रहा है, तो हम लोग 20 में से 5 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा कुल मिलाकर। तो ये तो हमारा सिंपल सा टाइप वन था, जिसमें मुझे आपको ये समझाना था कि धारा की चाल क्या होती है, नाव की चाल क्या होती है, कैसे इसकी दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में हम लोग चालें ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आगे किसी भी प्रकार को, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आइए अब दोस्तों देखते हैं आप लोग का अगला टाइप यहाँ पर क्या दिया हुआ। देखिए टाइप नंबर सेकेंड, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब की बार दोस्तों दे रखा है नाव की चाल ही दे रखा है। पहले तो हम लोग निकाल रहे थे नाव की चाल, धारा की दिशा में कितनी होगी, धारा के विपरीत दिशा में कितनी होगी, अभी तक तो हम लोग यही तो निकालना सीखा था। लेकिन अब की बार देखिए क्या दे रखा है, यदि नाव की चाल, ठीक है, धारा की दिशा में दोस्तों आप लोग की दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया होगा तो आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल होती है ए प्लस बी अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग होता है ए माइनस वी अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, अगर शांत जल में कभी भी नाव की चाल पूछी जा रही है और धारा का वेग पूछा जा रहा है, आपको दिया गया हो सिर्फ आप लोग को धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों, ये आप लोग के सामने आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक तैराक जो है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक की शांत जल में चाल और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो तैराक की शांत जल में चाल पूछ रहा है, यानी क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 करेंगे, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो आप लोग का ये आ जाएगा। उसके बाद 24 तक, 24 को 2 से भाग करेंगे तो आप लोग का कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा जा रहा है धारा का वेग, धारा का वेग होता है ए माइनस वी, तो 18 से 6 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा आप लोग का, 12 बचेगा, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार तैराक की शांत जल में चाल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आप लोग की 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग आ जाएगा इसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन अब आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोग लगा कर दिखाइए मुझे। देखिए क्या दिया गया है, एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चालें क्रमशः आपको दे रखी है। एक तो धारा की दिशा में दे रखा है, एक धारा मान लो ये पानी बह रहा है, ठीक है, एक तो धारा की दिशा में जा रहा है तो ये चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे रखी है इसमें विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तैराक की शांत जल में चाल और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, 30 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो ये तो हमारी नाविक की चाल आ जाएगी। शांत जल में नाव की चाल, तैराक की चाल जोड़ देते हैं, धारा की चाल में माइनस करते हैं तो हमारा जाएगा 34/2, यानी कितना आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 4 घटाएंगे और नीचे 2 से भाग करेंगे, तो 30 में 4 गया 26/2, यानी कि 13। तो 13 दोस्तों हमारा क्या है, धारा का वेग है, और जो हमारा 17 आया था, 17 वो हमारा नाविक, नाविक यानी कि तैराक की चाल है शांत जल में, ठीक है, 17 और 13 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को लगाकर दिखाइए। देखते हैं यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, तो जो मैंने आप लोग के साथ अभी दो टाइप डिस्कस किए हैं, उन्हीं टाइप का यूज़ करके आप लोग को इस क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है कि एक नाविक धारा की दिशा में, एक जो नाविक है वो धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर सकता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है। एक नाविक जो है धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में पार कर सकता है, यानी कि धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी जो है 40 मिनट में पार कर सकता है। तो हम लोग धारा की दिशा में चाल क्यों, हम लोग ए निकालना है, तो ए निकालेंगे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 18 किलोमीटर की दूरी और 40 मिनट में, लिखेंगे 18 दूरी अपॉन 40 मिनट, ये किलोमीटर में और ये मिनट में, तो मिनट को दोस्तों घंटे बदलने के लिए हम लोग 60 से भाग कर देते, तो 60 से हमने कर दिया भाग इसका, ठीक है, तो 0 से 0 ये कट गया हमारा, 2 दुनी 4, 2 3 6, ये आ गया 3, 2 निम 18, 9 3 27। तो दोस्तों हमारे इसकी चाल कितनी हो गई, 27 किलोमीटर हो गई, ये हो गई धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी है, 27 है, और आपको पता धारा के विपरीत दिशा में कितनी चाल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अब देखिए धारा की दिशा में 27 है, ठीक है,
धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है? 27 किलोमीटर है। और धारा के विपरीत नाभिक की चाल कितनी होगी ये आपको बताएं, लेकिन धारा की चाल आपको दे रखी है कितनी? धारा की चाल आपको दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, धारा की चाल यानी कि आप लोग को वाई निकालना है, और ये होता है आप लोग का ए माइनस वी अपॉन टू। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने एक वैल्यू निकाल के दिखाई थी जो कि आप लोग की कितनी आई थी, इसको जब सॉल्व किया 27 आई थी ना, और आप लोग को धारा के विपरीत दिशा में नाभिक की चाल निकालनी है यानी कि ये निकालना है। ओके तो देखिए मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, हमने आपको ए का मान निकाल दिया था, हमारा 27 आ गया था, और यहाँ पर आप लोग को बी निकालना है। बी क्यों निकालना है? क्योंकि धारा के विपरीत आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको ये तो रखा है धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर, धारा की चाल तो इसे निकालते हैं 4 बराबर a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 27 है, b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 दुनी 8 ये लिख लिया हमने यहाँ पर नीचे, तो 8 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a हमारा 27 है माइनस b करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19। तो दोस्तों हमारी जो धारा की जो वेग जो नाव की चाल है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत नाविक की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 19 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का ए वाला। तो जिसके भी क्वेश्चन ये समझ में आ गया है ठीक, तो उन सभी के ये जो मैंने पहला पार्ट आज बताया पार्ट फर्स्ट, सभी के क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब अगर आप लोग के समझ में आ गया है तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये रहे नीचे 4 ऑप्शन, बस इस क्वेश्चन को और लगा लीजिए, तो पार्ट वन का जो हमारा एम था, जो उद्देश्य था आपको समझाने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया आपको, एक नाविक है जो कि धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, इतने ही समय में धारा के विपरीत वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करनी, यानी कि नाविक की चाल आपको एक्स निकालना है, और आपको शांत जल में नाविक की चाल निकालनी, तो दोस्तों क्या होता है ए प्लस वी अपॉइंट टू होगा, क्योंकि यहाँ पर नाव की चाल पूछे, नाव की पूछे, तैराक की पूछे, ठीक है ना, तैरने वाले की पूछ ले तो ये रहता है, लेकिन अगर कभी भी धारा की पूछेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 2.5 घंटे में, 18 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे ले सकते हैं 5/2, तो कुल मिलाकर क्या जाएगा 18 दून 36/5, 36/5 ये तो हमारा ए का मान आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36/5 आ गई। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36/5। अब बी के निकालेंगे इसी तरीके से, बी हमारा कितना है 12 है, ये इसको भी भाग करेंगे दोस्तों यहाँ पर किससे, 2.5 से करेंगे भाग, तो 5/2 आएगा, 5 2/5 आ जाएगा, 24/5 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे दोस्तों, ए की वैल्यू हमारी आ गई 36/5, और बी की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों आप लोग की, 24/5। ठीक है, 36/5, और ये आ गया मेरे 24/5। अब क्या करना, शांत जल में नाभिक की चाल ज्ञात करनी, यानी कि ए प्लस बी निकालना है, तो 36 और 24 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आप लोग का क्या आ जाएगा 40 50, 60/5, 60/5 × 2। ठीक है, 2 5 हो जाएगा 10, 10 को 60 से भाग करेंगे तो कुल मिलाकर आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों नाभिक की जो चाल है शांत जल में वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो है, ये जो मैंने आप लोग के साथ 2 टाइप डिस्कस किए थे मैथ्स की वीडियो में, तो आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस भी आप लोग को अन अकेडमी पर कराऊंगा, तो अन अकेडमी पर भी आप लोग हमारे इन सभी वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, और उसी के लास्ट पार्ट में मैं आप लोग के साथ जो है बिल्कुल जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो कराएंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि दोस्तों आप लोग के ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके, और यदि अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो वो आप लोग आसानी से निकाल सकें। उम्मीद करता हूँ सभी के क्लियर हो गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहिए, इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम भी आप लोग के लिए इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।